आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। आज इंशाल्लाह दो तीन दिन बाद या 24 घंटे बाद एवन मुशायरा मीडिया इरफान हाशमी के जरिए ये पूरी दुनिया इस बरौली की सरजमीन की को देखेगी और ये भी देखेगी नातिया अशआर किस तरीके से आप लोगों ने सुना है और कैसे शोरा इकराम को दादू तहसीन से नवाजा है। आप लोग अभी बैठे हुए हैं, अब आइए मैं उस शायर को आवाज देने जा रहा हूँ जिस शायर को जब किसी महफिल में मैंने जब देखा है कि जब वो नात सरा होते हैं या नात खां जब माइक पे हो जाते हैं तो बुजुर्गों की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, आंसू गिरने लगते हैं। वो नात का लहजा, वो खूबसूरत आवाज, वो खूबसूरत रंदम, वो जनाब हजरत ताबिश रेहान का। मैं मोहसिन इंसानियत के हुजूर उस शख्सियत से गुजारिश करने जा रहा हूँ कि अपने नजराने अकीदत से नवाजने की किसी ने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, आदमियत का गरज सामा मुहैया कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया। आइए मैं इस वक्त आवाज देने जा रहा हूँ पूरी दुनिया में नातिया अशआर के हवाले से, नातिया जलसों के, नातिया मुशायरों के हवाले से। बेताज बादशाह जो नाम समझा जाता है जलसों का, वो नाम है जनाब हजरत ताबिश रेहान नवी का। आजमगढ़ की सरजमीन वो सरजमीन है जहां से एक जर्रा आफताब बनता है, यही वो इलाका है शुरुआती दौर में, चाहे दिल खैराबादी साहब हो और मुझ नाचिस को भी शरफ हासिल हुआ इस इलाके में हाजिर हुई, प्रोग्रामों में शिरकत हुई और अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में बड़े बड़े प्रोग्राम में शरीक होने का मौका मिला। उसमें अहम किरदार रहा है आजमगढ़ की सरजमीन का। मजीद गुफ्तगु न करते हुए सीधे सीधे मैं चाहता हूँ कि एक हमदे बारी ताला से उस वक्त गजल के मुशायरे आके 8-10 साल पहले बहुत ज्यादा होते थे, उसमें शिरकत होती थी, नात के हवाले से बहुत कम हाजिरी का मौका मिला और मैं चाहता हूँ कि हमदे बारी ताला से मैं अपना सफर शुरू करूँ। खूबसूरत निजामत फरमा रहे रजब भाई हमारे और सदर मोहतरम तशरीफ फरमा है, हमदे बारी ताला सीधे सीधे पेश कर रहा हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह कुछ कलाम और पेश करूंगा। इसमें एक बात कही गई है कि हर चीज में अल्लाह मौजूद है, बेशक तो यहाँ अल्लाह से अल्लाह की कुदरत मुराद है। इस बात को ज़हन में रखें और मैं बंद पेश कर रहा हूँ समाप्त इरशाद कि या अल्लाह या रहमान या करीम या रहीम। इन इलाकों में शायद बाद मैंने कहीं ये कलाम पढ़ा हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं यहीं से शुरू करूँ। समाप्त फरमाएं कि या अल्लाह या रहमान या करीम या रहीम, या अल्लाह या रहमान या करीम या रहीम। नूर मोहम्मद जब चमका सल्ले अल्लाह का शोर उठा, जर्रा जर्रा कहने लगा, जर्रा जर्रा कहने लगा क्या ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह हो या रहमान या करीम या रहीम। आगे जो मिसरे आ रहे हैं जो तसलसल आपको दे
देखने का मिलेगा इंशाल्लाह मजा आएगा। दिल खराबानी साहब तशरीफ फरमा है, मोइन दिनामी साहब तशरीफ फरमा है। देखें खुदूस आगे के बंद कि या अल्लाह या रहमान या करीम या रहीम के साथ ये भी बन क्या कह मैं वाह वाह सूरज चांद सितारा को और धरती के नजारा को सूरज चांद सितारा को और धरती के नजारा को वही सजाने वाला है वही सजाने वाला है ला इलाहा इल्लल्लाह हमको अता हो इश्क रसूल मौला हमको कर ले कबूल हमको अता हो इश्क रसूल हम पर हो रहमत का नुज़ूल सब पर हो रहमत का नुज़ूल ला इलाहा इल्लल्लाह बहुत खूब क्या।